हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता अमृत शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा फ्लेयर्ड स्कर्ट। फ्लेयर्ड स्कर्ट समझने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें अपना क्या करना है। स्लोपर चाहिए अपना बेसिक स्कर्ट का, तो हमने आई बटन के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड करा रखा है जिसमें हमने अपनी स्कर्ट बनानी बता रखी है, बेसिक स्कर्ट। वहाँ से आप स्कर्ट बना लीजिए और उसके बाद इसका स्लोपर ले लीजिए। तो सबसे पहले फिगर वन के अकॉर्डिंग हम अपने बैक और फ्रंट को ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि हमें यहीं पर ही अपना स्लैश और स्प्रेड मेथड को करना है। तो हमें अपना बैक एंड फ्रंट को, यहाँ पर मैंने आपसे स्लोपर बनवा दिया है और स्लोपर के अकॉर्डिंग ही हम अपने बैक और फ्रंट को यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। डार्ट्स भी आपको ट्रेस कर लेनी है। इस तरह से ये देखिए, एग्जैक्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेस कर लेनी है। आप इसको कार्बन पेपर से भी ट्रेस कर सकते हैं, या जैसे हमने स्लोपर यहाँ पर बना रखा है और हम उससे भी इसको बना सकते हैं। तो ये हमने अपना बैक ट्रेस कर लिया, सेम मेथड से आप अपने फ्रंट को भी यहाँ पर ट्रेस कर लीजिए। सो आफ्टर ट्रेसिंग माई फ्रंट ऑल्सो, ये हमारा फ्रंट पैटर्न है, ये हमारा बैक पैटर्न है, ये हमारा सेंटर फ्रंट हम इसको लिख लेंगे और ये हमारा सेंटर बैक वो रहेगा। तो अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब हमें एक स्लैश लाइन लगानी है अपने फिगर वन एंड टू के अकॉर्डिंग। ये हमारी फिगर वन रहेगी, ये हमारी फिगर टू रहेगी। तो फिगर वन और फिगर टू के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक स्लैश लाइन लगानी है अपनी डार्ट से। सो यहाँ पर हम स्ट्रेट एक स्लैश लाइन दे देते हैं डार्ट पॉइंट से इन बोथ द फिगर्स, फिगर वन एंड फिगर टू। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा आप कि आपका जो सेंटर फ्रंट है और सेंटर बैक है वो हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए, वो हमारा अपने ग्रेन पे रहना चाहिए। तो हमने ये ड्रॉ कर दिया स्लैश लाइन फ्रॉम द डार्ट पॉइंट, ठीक है, जो हमारी नियरेस्ट होगी किसके, साइड सीम के। सो साइड सीम के नियरेस्ट डार्ट पॉइंट टू द हेम लाइन एंड पैरेलल टू आर सेंटर फ्रंट लाइंस, करेक्ट। उसको हमने नेम क्या दे देना है, ए बी। एंड सी डी, कुछ भी दे सकते हैं हम, ए बी एंड सी डी हमने इसको नेम दे देना है। उसके बाद फिर हमने इसको अपने पैटर्न को कट कर लेना है फ्रॉम पेपर। तो आइए हम इसको कट करते हैं अपनी फिगर वन को। सो जैसे कि ये आपका फिगर वन था और फिगर टू था, उसके बाद हमने क्या कहा आपको, आपको एक और फिगर थ्री और फिगर फोर के लिए मींस हमें इसको स्लैश करना है। तो हमने अपने इस फिगर के अंदर इसको स्लैश और स्प्रेड नहीं किया, बल्कि हमने एक और स्लोपर, बिकॉज अगर आप अपना फाइल वर्क मेंटेन करते हैं, अपनी फाइल बनाते हैं, तो आपको ये दोनों वहाँ पर पेस्ट करने होंगे। तो इसीलिए हमने इसी का ही एक इसी को ही कॉपी करके ट्रेस करके हमने ये दोनों बनाए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने जो ए बी और सी डी है इसको यहाँ से स्लैश करेंगे। ये हमारी क्या है, स्लैश लाइन है। तो यहाँ हम लिख लेंगे, हम इसी पैटर्न पे लिख देते हैं यहाँ पर स्लैश लाइन, दिस इज़ आल्सो आर स्लैश लाइन। तो अब हम स्लैश लाइन को क्या कर देंगे, स्लैश लाइन को हम यहाँ से कट कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी जो स्लैश लाइन है वो हमारी कहाँ पर बनी हुई है, डार्ट के पास बनी हुई है। तो हमें इसको कट करना है, लेकिन हमें उसको कट करना है डार्ट पॉइंट तक, नॉट थ्रू, उसके बाहर नहीं लेके जाना, सिर्फ डार्ट पॉइंट तक इसको कट करना है, मींस स्लैश करना है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने इसको कट कर दिया है, स्लैश कर दिया है, लेकिन हमने अपने डार्ट पॉइंट तक स्लैश कर दिया है दोनों अपनी को, जो हमारी फिगर वन थी
और हमारी जो फिगर टू थी उन दोनों को हमने यहाँ पर बनाया है और उसके बाद हमने उसको स्लैश कर दिया है, ये देखिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फिगर की, दैट इज़ आर फिगर थ्री एंड फिगर फोर। तो फिगर थ्री जो रहेगी वो हमारी फ्रंट के लिए रहेगी, ये हमारी फिगर थ्री बनेगी यहाँ पर और ये हमारी फिगर फोर बनेगी। आइए देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर अब हमें क्या चीज़ लेनी है, एक और पीस ऑफ पेपर ले लेना है। सो पीस ऑफ पेपर हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम अपनी फिगर, सबसे पहले थ्री फिगर के बारे में बात करते हैं। तो जो ये डार्ट है हमें इस डार्ट को क्लोज़ करना है। तो इस डार्ट को हम क्लोज़ कैसे करेंगे, आइए देखिए। ये आपके सपोज़ ये डार्ट है तो आपको इस डार्ट को क्लोज़ करना है। तो आपकी जो डार्ट है हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत ही स्लाइट सा होता है हमारा 1/4 के ऊपर, बट स्टिल हम इसको क्लोज़ करेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर अपनी डार्ट को क्लोज़ कर दिया है, मींस ये हमारी डार्ट थी, डार्ट एक्सेस को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लोज़ कर दिया है। और डार्ट एक्सेस को क्लोज़ करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो हमारी स्लैश लाइन थी वो क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो गई है। सेम एज हमने अपनी फिगर फोर के अंदर भी कर लेना है, हमने अपने फिगर फोर के अंदर भी कर लेना है। हमारे फिगर फोर के अंदर भी क्या होगा, हमारी जो डार्ट होगी वो क्लोज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसा आप देख रहे हैं डार्ट को हमने क्लोज़ करने के बाद उसको टेप कर दें या फिर हम ग्लू से उसको पेस्ट कर दें। तो हम यहाँ पर अपनी डार्ट को विद द हेल्प ऑफ अ सेलो टेप हमने इसको पेस्ट कर दिया है। सेम हैज़ हमने यहाँ पर भी सेलो टेप ली है बिल्कुल, और उसको हमने फिर अपने डार्ट के ऊपर लगा के अपनी डार्ट को क्लोज़ कर दिया है। तो यहाँ हमारी दोनों डार्ट सब क्लोज़ हो चुकी हैं। डार्ट के क्लोज़ होने के बाद हमें उसको एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर रखना है सो दैट वी कैन स्प्रेड इट, ये देखिए। इसके अंदर हमें अपने सेंटर फ्रंट को अगेन ऑन अ स्ट्रेट पीस ऑफ पेपर पे रखना है। तो हम यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन लगा के दिखा देते हैं कि आपको अपने सेंटर बैक को स्ट्रेट रखना है। यहाँ पर डार्ट एक्सेस जितना आता है, कि डार्ट बनने के बाद जितनी फ्लेयर आती है हम उतनी फ्लेयर ही यहाँ पर लेंगे और इसको अगेन हम रिट्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आप एक नॉच लगा दीजिए ताकि यहाँ पर पता चल जाए कि आपने अपना डार्ट को क्लोज़ कर दिया है। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर ली है। इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे एंड ऑल्सो हम अपने बैक को लेके, हमारी एक डार्ट बंद हुई है लेकिन एक डार्ट एज इट इज़ है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। सेम इसी मेथड से हम यहाँ पर अपने फ्रंट के लिए भी मार्किंग्स लगा लेंगे और इसको भी हम यहाँ पर ट्रेस कर लेंगे। इसको हमें सेंटर फ्रंट को सीधा रखना है और उसके बाद जितना हमारा डार्ट एक्सेस है उसको एज इट इज़ हमें ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना बैक एंड फ्रंट, अपनी फिगर थ्री एंड फिगर फोर दोनों बना ली है। फिगर थ्री और फिगर फोर के बाद हमें यहाँ पर क्या चीज़ करनी है, देखिए जो डार्ट हमने बंद कर दिया उसको हमने डॉटेड लाइन में यहाँ पर आपको दिखाया है और जो हमारी ऑलरेडी ओपन डार्ट है उसको एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ पर जो ये एरिया आप देख रहे हैं हम इसको आपस में जोड़ देंगे, आपस में मिला देंगे स्मूथ लाइन के साथ। और इसको हमने यहाँ पर शेडेड रीजन दिखा देना, शेडेड वाई बिकॉज ये हमारी डार्ट एक्सेस है। सेम विद आर फ्रंट एंड बैक बोथ। यहाँ पर जितना हमने डार्ट इनटेक लिया होगा उतनी ही हमारी यहाँ पर नीचे फ्लेयर आ जाएगी। तो इसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है कि एक में हमारी कम या एक में हमारी ज़्यादा आ रही है। सेम एज़ अब आप यहाँ पर पता है कि ये आपकी क्या है, ये आपका सेंटर बैक था, ये आपका सेंटर फ्रंट था, यहाँ पर हमारा क्या है, कर्व है, हमारी हिप लाइन की कर्व है। तो वहाँ पर भी जहाँ से हमारी कर्व शुरू होती है वहाँ से हमें जितना ये है एरिया हमारा, हमने अपने इस एरिया को मेज़र करना है
इस एरियाज का हाफ, मींस आपका जो यहाँ पर हमारा ये हमारा फ्रंट, तो फ्रंट में ये हमने सी लिया था, ये डी लिया था, और बैक में हमने ये कितना लिया था, ये हमने ए लिया था, ये बी लिया था, तो हमारा ए टू बी यहाँ पर हम इसको अपने इस वाले एरिया को एक्स लेंगे, इसको भी हम यहाँ पर एक्स लेंगे, और एक्स टू वाई इक्वल टू 1/2 ऑफ ए टू बी इज इक्वल टू एक्स टू वाई, सेम एज 1/2 ऑफ सी डी इक्वल्स टू एक्स एंड वाई, तो ये लेंगे। तो हमने यहाँ पर ए और बी को अपने मेज़र कर लेना है, और उसका हाफ हमने यहाँ पर मार्किंग लगा देनी है, उस मार्किंग को जो हमारे यहाँ से कर्व आ रही है उसके साथ ज्वाइन कर देना है, और ये भी हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड वाई, बिकॉज ये भी हमने अपनी फ्लेयर ऐड की है। दिस इज़ आर जेड, दिस इज़ आर वाई, सेम हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एरिया हमने एक्स्ट्रा ले लिया, उसको स्मूथ कर्व के साथ ज्वाइन कर दिया, इसको भी हमने शेडेड कर दिया यहाँ से, तो ये हमारा वाई आएगा, ये भी हमारा जेड रहेगा, तो हमने इसको ब्लेंड कर दिया। तो ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर हमें क्या चीज़ आएगा कि हमने अपने जो डार्ट थी उसको हमने क्या किया, स्लैश किया, स्प्रेड किया, और एक्सीड एरिया हमने उसके अंदर डाल दिया, ताकि वो हमारी फ्लेयर जो है वो एज़ इट इज़ अच्छी शो हो, अच्छी दिखे हमारी स्कर्ट की। तो यहाँ पर अगर हम इसके सारे के सारे डिटेलिंग्स देखते हैं एक बार, तो सबसे पहले हमने अपने फ्रंट और बैक को ट्रेस किया, फ्रंट और बैक को ट्रेस करने के बाद हमने अपनी फिगर 1 एंड फिगर 2 बनाई है यहाँ पर, जिसके अंदर हमने एक स्लैश लाइन दी, स्लैश लाइन देने के बाद हमने उसको कट कर लिया, और अपनी एक डार्ट को हमने बंद करके जितना हमारा फ्लेयर आता है उसको हमने एज इट इज़ फ्लेयर को ले लिया, उस फ्लेयर को हमने पीस ऑफ पेपर के ऊपर ट्रेस किया, और ट्रेस करने के बाद हमने उसको एग्जैक्ट फ्लेयर स्कर्ट के अंदर चेंज कर दिया। तो मींस अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारा जो बेसिक था वो ये ब्लॉक्स थे, दिस इज़ फॉर आर फ्रंट एंड दिस इज़ फॉर आर बैक, तो ये हमने फ्लेयर देने के बाद ये अपना फ्लेयर्स आ गए हैं हमारे। इज़ दैट क्लियर विद एवरीवन, ये हमारा फ्लेयर्ड स्कर्ट बनेगी। सो होपफुली आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।